जोहार दोस्तों, यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि यहां की दो महिला खिलाड़ियों निकी प्रधान और सलीमा टेटे का चयन जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। निकी प्रधान खूंटी जिले से जबकि सलीमा टेटे सिमडेगा जिले से आती हैं। निकी प्रधान इससे पहले भी सन 2016 के रियो ओलंपिक में खेल चुकी हैं और वे झारखंड की एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें दो बार ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला है। इन दोनों के चयन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा, रांची से सांसद दीपक प्रकाश एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इन्हें ट्वीट करके बधाइयां दी हैं। झारखंड में हॉकी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सन 1928 में झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा झारखंड से 1972 में माइकल किंडो, 1980 में सिल्वानुस डुंगडुंग, 1984 में मनोहर टोपनो और 1992 में अजीत लकड़ा भी ओलंपिक में खेल चुके हैं।